ओम श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साई बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम साई राम। बाबा की दीक्षा देने की, अपने भक्तों को दीक्षा देने की अलग से एक अपनी एक हटौती थी, एक कुशलता थी उसमें, उनमें साथ में ही अपने उदी में क्या सामर्थ्य है और अपने बाबा के चरण तीर्थ में क्या सामर्थ्य है, ये जताने वाली लीला अब हम देखने जा रहे हैं, उसका चिंतन करेंगे। इसके माध्यम से हम बाबा की भक्ति में एक कदम और आगे बढ़े इसकी कोशिश करेंगे। ये जो घटना घटित हुई, ये श्री मोरेश्वर राव प्रधान, उनको बाबा ने जो चंद आला दर्जे की, श्रेष्ठ दर्जा की जो अनुभूति दी थी, अनुभूतियाँ, वो उन्होंने 1925 के जो साई लीला के अंक है उसमें लिखित स्वरूप भेजी थी और वो वहाँ प्रकाशित हुई है, छपी गई है। उसमें से बाबा के पास पहले 1910 में, सबसे पहले जब वो प्रधान जी पहुँचे थे, मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान, तब उन्होंने कुछ आप बीती लिख कर रखी है, वो हम अभी आपको सुनाते हैं, आप तक पहुँचाते हैं। ये थे बैरिस्टर थे, ये बहुत अच्छी वकालत की प्रैक्टिस थी उनकी। बम्बई में, उन बम्बई का एक उपनगर पार्ला, वहाँ के रहने वाले थे ये। ये जब बाबा के दर्शन को पहली बार, यानी 1910 में पहली बार गए थे, उसका वर्णन उन्होंने किया है, क्या क्या अनुभूतियाँ उनको आई, उसके बाद भी कई अनुभूतियाँ उनको आई है। ये जब वहाँ शिरडी में पहली बार गए, बाबा का दर्शन लेकर फूले न समाए, जब जाने के लिए आज्ञा मांग रहे थे, तो बाबा ने कहा, हम अपन क्या जंगल में पड़े हैं क्या, कोई ऐसे कोई तकलीफ है, जाएंगे दो चार दिन के बाद, मैं भी आऊँगा तुम्हारे साथ, ऐसा कर कर टाल देते। अब दो चार दिन के बाद बोले गए, उन्होंने बोला भी अभी ठीक है, उसके बाद जाएंगे। सुन बैठ बाजू में, मुरेश्वर प्रधान को बाबा बोले, मेरा ना एक बाजू बहुत दर्द करता है, वो खिलता भी नहीं है, ये उसकी मानो उसमें जान ही निकल गई है रे, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ी चीज़ है, भगवान ईश्वर उसको ठीक कर देगा। अब ये किस सिलसिले में, किस संबंध में बोले, इसको मुरेश्वर प्रधान जी को जरा भी समझ में नहीं आया। खैर वो उन्होंने सुन लिया, कुछ नहीं, अल्लाह ठीक करेगा, भगवान का नाम ले, भगवान ठीक करेगा। उस वक्त खैर वो चुप बैठ गए। उसी यही जो पहली विजिट थी उसके दरमियान, उनको नाना साहब चांदोर करके जो दो लड़के थे, वो भी साथ में, उनकी भी साथ संगत मिली, बापू और बाबू चांदोरकर दोनों भी साथ में थे। एक दिन हुआ यूँ कि बाबा ने उस दिन अपने हाथों से हंडी बनाने का सोचा, तय किया था, और वो वहाँ थे, बाकी के सब बाबा हंडी जब बनाते थे, ये करते थे, तब कोई किसी को आजू बाजू में उनको रहने पसंद नहीं करता, कि उसमें उनके काम में दखल अंदाजी करना उनको पसंद नहीं था, तो सब भक्तगण बाहर थे, सिर्फ दो साथ में थे, बाबू मोरेश्वर प्रधान, जिनको बाबा प्रधान करके बोलते थे, प्रधान बाबू प्रधान, और ये तीनों ही थे, और बाबा वो हंडी जो पकाते रहे थे, वो प्रधान जी बोलते हैं, वो नज़दीक, वो सब नज़दीक से देखने का, वो हंडी पकाने का बाबा का वो जो एक जो दृश्य था, बड़ा लुभावना रहता था, बोले हमें बहुत देखने में मजा आते थे। बाबा बोले उस वक्त गुनगुना रहे थे, श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा ये क्या गुनगुना रहे, हम देख रहे थे,
उतने में बाबा ने माने मेरी तरफ एक दो बार देखा ऐसा, और एक मुझे अंदर से कुछ ऐसी एक अनुभूति आने लगी। बाबा ने मेरी तरफ देखकर बोला, क्या बोलना चाहिए हमेशा? श्री राम जय राम जय जय राम, दो तीन बार बोला। जैसे उन्होंने जब उनकी तरफ देखकर, मोरेश्वर प्रधान की तरफ देखकर बाबा ने बड़ी दृढ़ता से उसको ये समझाया, काय मनाए थे, क्या बोलना चाहिए रे, क्या कहना चाहिए, हाँ बोल, श्री राम जय राम जय जय राम। मानो अंदर से पूरी एक ऐसी बिजली की जो करंट होता है ना, एक ऐसी दिव्य अनुभूति उनके शरीर से पास हो गई और उनके आंख में आंसू आए। मानो उनको अनुग्रहित किया बाबा ने कि इस मंत्र के लिए तुझे आखिरी तक ये मूल मंत्र मैं तुझे दे रहा हूँ। बाबा के चरणों में वो वहीं लेट गए, लोटपोट हो गए और साष्टांग दर्शन लिया। बाबू, बापू जो बापू जो नाना साहब चंदोरकर का लड़का था, वो यह सब देख रहा था। जैसे मैं उठा, भाव विभोर होता, आँख से आंसू आ रहे थे। बाबा ने मुझे अनुग्रहित किया था, ये मैं ये आनंदित वृत्ति में मैं बैठा था। तो बापू ने बोला, क्या हुआ अचानक से ऐसे तुम्हारे आँख से आंसू क्यों आए, इतने भाव विभोर कैसे हुए आप? बोले, मैं तुझे बाद में बताऊँगा। तो मुझे ये अनुभूति हुई है कि बाबा ने मुझे इस मंत्र से अनुग्रहित किया है। इसी मेरी पहली मुलाकात में, मतलब जब पहली बार मैं शिरडी में गया, मेरे पहले विजिट में, दूसरे दिन बाबा ने मुझे बोला, प्रधान इधर आ। अब हालांकि वो टाइम बाबा के लेडीबाग पर जाने का नहीं था, लेकिन उनको साथ में लेके कर गए बाबा। वहाँ जाने के बाद उन्होंने एक कुछ वो जो त्राटक बोलते हैं, सूर्योपासना वगैरह करने के जो कुछ मंत्र वगैरह मंत्रोपचार किए, और साथ में कुछ बीज लेके गए थे बाबा। उन्होंने प्रधान जी को साथ में बुलाया, मुरेश्वर प्रधान जी को, और उसके हाथ में दिए, और उनके हाथ से वो सब बीज जो है वो वहाँ आजू बाजू में बोए उनके हाथ से। इसकी ये आध्यात्मिक अर्थ है, इनको समझ में नहीं आया कि मेरे हाथ से क्यों, और ये सब लेडी बाग में इतना जो बाबा झाड़ी मेरे हाथ से लगा रहे, ये क्यों लगा रहे हैं। आगे चलकर जब बाबा के चरणों में इनकी भक्ति दृढ़ हो गई, तो यही प्रधान जी ने लेंडी बाग खरीद कर बाबा के चरणों में अर्पण कर दी, और वो आज साईं बाबा संस्थान का एक हिस्सा है वो लेंडी बाग। वो प्रधान बाग बोलते थे उसको, लेंडी बाग या प्रधान बाग बोलते थे। आज सिडी अपना जो मंदिर परिसर है उसके अंदर की जो लेंडी बाग है, ये लेंडी बाग उन्होंने जो गोंदकर फैमिली की जगह थी ओरिजिनल, उनके वंशज आज भी वहाँ है, ये शिवाजी भाऊ गोंदकर और ये, तो उन्होंने अपनी खुद की, शिवाजी भाऊ गोंदकर उनके जितना भी गोंदकर परिवार है जो वामनराव गोंदकर के परिवार से ताल्लुक रखता है, वो उनके घर से वो खरीद ली उन्होंने, और ये साई बाबा संस्थान को उन्होंने भेंट करवा दी। ये जो चंद दाने उनके हाथ से, प्रधान के हाथ से जो करने कर लिए थे बाबा ने, यानि ये लेडी बाग आगे चल के तो खरीदने वाला है और साई बाबा की एक तरीके से सेवा करने वाला है। इसका ज्ञान, इसका मूल बीज बाबा ने वही पहले ही से बोया था। फिर बाबा ने जाने के लिए आज्ञा दी उनको, वो गए कोपरगांव तक, और कभी न रुकने वाली पंजाब मेल, बोले जल्दी जाना है तुम्हें अभी, कभी न रुकने वाली पंजाब मेल वो उस वक्त रुक गई। बापू, बाबू चांदोरकर और ये दोनों भाई, चांदोरकर भाई और मोरेश्वर प्रधान, बहुत जल्दी समय से पहले ही, क्योंकि वो खाई रुकती नहीं थी पंजाब मेल, मनवाड़ से सीधी कोपरगांव से सीधी निकल गए जाती थी, वो उनको मिल गए। घर में जाके देखते हैं तो वो बाबा ने जो कहा था कि मेरा अंग बहुत बिल्कुल हलचल नहीं हो रही, उसमें बहुत दर्द करता है, घर में जाके देखा तो उनकी माता जी को पैरालिसिस का अटैक आया हुआ था।
वहाँ, जिसके जो सिम्टम्स है वो बाबा ने वही पहले बता दिए थे। छठ उनको याद आया, बाबा ने कहा था कि ऐसा ये ऐसा ऐसा हो गया है, मेरा हाथ हलचल मेरी बंद हो गई है, फिर भी चिंता नहीं करना, अल्लाह सब ठीक कर देगा, भगवान सब ठीक कर देगा। मैंने झट से बोले, फिर प्रधान जी कहते हैं उनकी अनुभूति के लिए जब ये अनुभव लिखते हैं तो बोला कि मैंने बाबा के जो चरण तीर्थ जो साथ में लाया था वो उनको मैंने माता जी को पिलाया, बाबा की उदी उनको लगाई, जिधर वो पैरालिसिस अटैक है उनके ऊपर जरा थोड़ी सी मसल दी। और बोले आश्चर्य भरी, मतलब ऐसी घटना घटित हुई कि धीरे 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 वो रिकवर हो गई, पूरा आधा जो उसका अंग है वो बोले तो निकम्मा हो गया था। आगे रिकवरी ऐसी हुई गई कि डेढ़ साल के बाद ये माताजी, प्रधान जी की माताजी है, खुद चलकर बाबा के दर्शन को गई है। बाबा के मन कर रहो, बाबा के होकर रहो, बाबा आपको कभी भी संकटों से, संकट आपके ऊपर मंडराने नहीं देंगे, संकट आपके पास नज़दीक नज़दीक कोई आएगा नहीं, दूर दूर तक तो आना ही मुश्किल है, क्योंकि बाबा के छत्र छाया में हम रहते हैं, बाबा के संरक्षण कवच में हम रहते हैं। जैसे घर गए तो उनकी साली थी एक अपनी मुरेश्वर प्रधान जी की, वो बोले ऐसे ही ऐसे एक फकीर जो सर पर एक कपड़ा बांधे हुए, फुल जो ड्रेस आर्मी ड्रेस ऐसा तोफ डाले हुए, अभी मेरे सपने में आए और बोले मैं आया हूँ यहाँ। उनको मुरेश्वर जी को पता चला कि बाबा ने कहा था जाएंगे दो चार दिन के बाद, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। वो जो उसकी प्रचिति है, उसकी अनुभूति है यहाँ, वो जो उनकी साली जो उनके घर में रहती थी उनके माध्यम से बाबा ने जता दी, मैं भी तुम्हारे साथ आया हूँ। और जाहिर है क्योंकि मुरेश्वर प्रधान जी की माता जी को पैरालिसिस अटैक, जो उस आश भी वो इतना टाइमली अगर दवा न मिले तो रिकवर नहीं होता है आदमी, वैसा कि वैसा अपाहिज बन के रह जाता है। और उस वक्त तो इतने थी नहीं, दो तीन दिन के बाद अटैक आने के बाद जब प्रधान जी वापस गए और उन्होंने जो तीरथ लगाया, जो तीरथ पीने को दिया और जो उदी आंग पे मसल दी, उस वक्त जाहिर है बाबा उनके साथ थे, मैं भी आऊँगा साथ में उनको रिकवर करने के लिए। बाबा वहाँ गए थे प्रधान जी के घर में, ऐसे हमारे दयालु, ऐसे हमारे कृपालु, सबके तारनहार, सबके पालनहार ऐसे हमारे दया बाबा, आपकी जय जयकार हो। ओम साई राम। अवघारंगई कझाला रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।